हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में हमारे 6 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग 6 क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है इन विच एबी इज पैरेलल टू सीडी। हमें ट्रेपेजियम दे रखा है, इसमें एबी सीडी के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। एंड एडी इज इक्वल टू बीसी, और एडी हमें बीसी के इक्वल दे रखा है, तो हमें शो करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये जो एंगल ए है ये एंगल बी के इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि सी एंगल डी के इक्वल होगा। थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है एबीसी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगा बी ए डी ट्राइंगल के, तो वहां हमें ट्राइंगल्स ड्रॉ करने होंगे, ये बात में करेंगे हम। उसके बाद डायगोनल ए सी इक्वल होगा बी डी के। इजी सा क्वेश्चन है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हम इन एंगल्स को 1, 2 इसका भी हमें यूज करना होगा। कंस्ट्रक्शन हमें दिया हुआ है बुक में कि हमें इस तरह से इसको एक पैरेललोग्राम बना लेना है, तो इन एंगल्स को हमने 1, 2, 3, 4 एड कर लिया। तो देखिए प्रीवियस जो बुक्स थी हमारी उसमें हमें सिर्फ एक ट्रेपेजियम दे रखा था, लेकिन इस बार एनसीईआरटी में इन्होंने कंस्ट्रक्शन करके दिया हुआ है। पहले हम खुद करते थे इस चीज को, तो यहाँ पर इन्होंने हमारे लिए इजी कर दिया है इस क्वेश्चन को। तो हमें सिंपल एक एबीसीडी ट्रेपेजियम दे रखा था जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये जो लाइन है ए डी ये इक्वल है बी सी के, ठीक है, इतना गिवन था। लेकिन हमने क्या किया, इस ए डी के पैरेलल हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली और इस AB को हमने प्रोड्यूस कर दिया E पॉइंट तक, जहां पर ये मिल रहे हैं वो पॉइंट है E। इससे ये क्या हो गया, ADCE एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। AECD या फिर ADCE एक क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये जो साइड AE है ये पैरेलल होगी CD के, और AD साइड पैरेलल होगी EC के। पैरेललोग्राम में ये होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, तो एडी जो साइड है वो एईसी के क्या होगी, पैरेलल होगी। एडी साइड इक्वल होगी और पैरेलल होगी ईसी के, और एडी ऑलरेडी इक्वल है किसके, बीसी के। इट मींस एडी दोनों में कॉमन है, हम कह सकते हैं कि बीसी इक्वल है ईसी के, क्योंकि एडी जब बीसी के इक्वल है और एडी ईसी के भी इक्वल है, इट मींस ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हमें पता है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो ऐसा ट्राइंगल क्या कहलाता है, आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसोसेलिस ट्राइंगल में जो दो साइड्स इक्वल होते हैं उसके बेस एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, तो हम कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। और इसके अलावा हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, या फिर एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। तो हमने 1, 2, 3, 4 इसलिए ऐड किया है, हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे इस तरीके से। तो अभी तक हमने क्या समझा, इन पैरेललोग्राम ए डी सी ई, ठीक है। अब हम ए डी सी ई पूरा पैरेललोग्राम दे रहे हैं, इसमें ए डी पैरेलल है या एडी इक्वल है किसके, बीसी के। एडी इक्वल है बीसी के और एडी इक्वल है ईसी के, ये हमें गिवन है कि एडी बीसी के इक्वल है, और एडी ईसी के इक्वल होगा क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम कहेंगे ये साइड इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इससे क्या हो जाएगा, बीसी इक्वल हो जाएगी ईसी के, ठीक है, बीसी इक्वल हो जाएगा ईसी के, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं एंगल सी बी ई इक्वल हो जाएगा एंगल सी ई बी के, या सिंपल हम कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, ठीक है। इसी तरह से अगर पैरेललोग्राम के हम प्रॉपर्टी देखें तो हमें पता होता है कि एंगल कौन से, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो सामने वाले एंगल्स तो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, उनका सम 180 होता है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 और 4 एंगल, ये एंगल 1 और एंगल 4,
इनका सम क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 180, एंगल 1 और एंगल 4, इनका सम हो जाएगा 180, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 3, इनका सम क्या हो जाएगा, 180, क्योंकि एक सीधी लाइन पर ये दो एंगल्स बन रहे हैं 2 और 3, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180। तो 2 और 3 का सम भी हमने क्या लिख दिया, 180 लिख दिया। हम इसको लिख सकते हैं लीनियर पेयर, सीधी लाइन पर दो एंगल्स बन रहे हैं तो इनका सम भी क्या हो जाएगा, 180। अब इन इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर हम 1 और 2 को ऐड करने के बजाय इक्वलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। इक्वलाइजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इनको, क्योंकि दोनों ही 180 के इक्वल हैं, तो हम इसको इस तरह से 1 प्लस 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 डाला था, ठीक है, 3 और 4 एंगल्स इक्वल हैं, तो हम इसकी जगह 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं। 3 एंगल और 3 एंगल दोनों साइड है, कॉमन है, इक्वल है, कट जाएगा। इसके बाद क्या बचा, एंगल 1 बचा एंगल 2 के इक्वल। 1 और 2 को हमने सिंपल ए और बी भी कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। तो यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा कट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट इसी में हमें प्रूव करना है कि एंगल सी इक्वल होगा एंगल डी के, सेकेंड पार्ट में, ठीक है। तो सी और डी एंगल कहां है, ये रहे हमारे, तो सी एंगल को हम 5 मान लेते हैं और डी एंगल को हम 6 मान लेते हैं। तो 6 और 5 को हमें इक्वल करना है, तो क्या करेंगे, एंगल सी हमें एंगल ए की, सॉरी, एंगल सी हमें एंगल डी के इक्वल प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी पैरेललोग्राम में एंगल 1 और एंगल 6 का जो सम होगा वो होगा 180, 1 और 6, क्योंकि हमें ट्रेपेजियम दे रखा है, तो ट्रेपेजियम में क्या होगा, अगर दो लाइन पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये एक तरह से ट्रांसवर्सल होगी, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। तो हम यहां पर कह सकते हैं 1 और 6 का सम क्या होगा, 180, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। इसके बाद एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगेन सेम रीजन होगा, सिमिलरली ये भी एंगल्स क्या हो जाएंगे, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, अगेन ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। यहां पर BC क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी, AB पैरेलल है CD के, और यहां पर AD ट्रांसवर्सल थी क्योंकि AB और CD पैरेलल थे। तो इन दोनों इक्वेशन से हम इसको अगेन इक्वलाइज करेंगे, इक्वलाइजिंग इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम इक्वलाइज करेंगे तो 1 प्लस 6 इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 5 के। यहां पर हमें पता है कि एंगल 1 इक्वल था एंगल 2 के, अभी हमने प्रीवियस पार्ट में प्रूफ किया है कि 1 एंगल इक्वल है 2 के, तो 1 की जगह पर अगर हम 2 लिख देते हैं तो 6 इक्वल हो जाएगा 5 के, एंगल 6 इक्वल हो गया एंगल 5 के, या हम कह सकते हैं एंगल डी इक्वल है एंगल सी के। तो सेकेंड पार्ट हमारे यहां पर प्रूफ होता है। इसके बाद थर्ड और फोर्थ पार्ट बहुत ही आसान है। यहां पर हमें थर्ड और फोर्थ पार्ट में क्या करना होगा, ट्राइंगल्स ड्रॉ करने होंगे। यह हमें फिगर दी हुई है, एबीसीडी ट्रेपेजियम है,
ठीक है, हमसे कहा है एबीसी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करना है बीईडी ट्राइंगल के, तो यहाँ पर ट्राइंगल तो है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, ए से सी को ज्वाइन करना होगा और बी से हमें डी को ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के बाद हमसे कहा गया है एबीसी ट्राइंगल, यानी कि ये वाला ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है बीएडी ट्राइंगल के, यानी कि बीएडी ट्राइंगल हमारा ये रहा, बी ए डी ट्राइंगल और ए बी सी ट्राइंगल। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा कि कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, जिसमें हमें गिवन है कि ए डी बराबर है बी सी के, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करना है तो हमें तीन रीजन चाहिए होंगे। तो थर्ड पार्ट पहले तो लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ठीक है, तीन रीजन चाहिए। पहला रीजन गिवन है कि AD इक्वल है BC के, सेकेंड रीजन AB कॉमन है दोनों में ही, ठीक है, और थर्ड रीजन हमने प्रूफ किया था एंगल A इक्वल है एंगल B के, ठीक है, वन एंगल इक्वल था टू के, यानी कि A एंगल B के इक्वल था, तो तीन रीजन हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं। इसको हम लिख लेंगे कि AD इक्वल है BC के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सेकेंड एंगल बी ए डी, देखो जब हमने एबीसी ट्राइंगल लिया है तो पहले हम एबीसी ट्राइंगल की चीजें लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एबीसी इक्वल होगा एंगल बी ए डी के, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है। ए बी इक्वल है बी ए के, यानी कि ये तो हमारा कॉमन था, तो तीन रीजन हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ए डी के बाय एस ए एस रूल, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमसे कहा है कि क्या डायगोनल ए सी इक्वल होगा डायगोनल बी डी के, तो डायगोनल ए सी और बी डी दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के ही करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो हम कहेंगे कि वी नो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए डी। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो हम कह सकते हैं कि ए सी इक्वल होगा बी डी के बाय सी पी सी डी। तो यहां आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज आप लोगों की एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी से सभी वीडियोस देखिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।